हुई है इतना, तो उन्होंने तो ऐसे हाय किए जैसे बड़ी औरतें करती, हाय मैं लुटी गई, हाय मैं बर्बाद हो गई, हाय मैं चीनो, हाय पीनो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो शुक्र है अल्लाह का, मौसम बहुत अच्छा हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि मौसम खुशगवार हो तो वो मूड पे भी बहुत इफेक्ट करता है, तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, बारिश हुई है। और वैसे भी कल ही हम आए वापस बुलवाल से, तो रस्ते में बहुत अच्छा मौसम बन गया था, काफ़ी बारिश हुई है और मज़ा बहुत आया है। वैसे अगर धूप हो तो इतना दिल नहीं करता, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन हमने बहुत इंजॉय किया है। तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और लेकिन ज़ीशान नहीं ठीक आज, तो उनसे पूछते हैं कि उन्हें हुआ क्या है। अच्छा, सुबह से मैं उनको कह रही हूँ कि आपको क्या हुआ है, मुझे बताएं प्लीज, लेकिन वो बताने का नाम ही नहीं ले रहे। तो चलें अब हम उनसे पूछते हैं, क्या बता बता ही दें आप। तो चलें अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो ज़ीशान सोए हुए हैं, तो आप हम उनको उठाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या है आपको, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग ना उनका मेडिसिन देते हैं उनको, ठीक है? तो चलें अब हम उनको उठाते हैं। ज़ीशान उठे, उठे, क्या हुआ है आपको? उठे, उठे, क्या हुआ है? क्या हो गया? क्या हुआ आपको? कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। सुबह के चुप बैठे हुए हैं, ना कोई गेम खेल रहे हैं, और बिल्कुल ही आप इतना मूड भी ऑफ हुआ है आपका। कुछ नहीं यार, ठीक हूँ बस। ज़ीशान, ज़ीशान उठे, उठे, क्या हुआ? उठे, इतने इनएक्टिव और लेजी हुए हैं आप। कुछ नहीं यार, ठीक हूँ, कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी तो बताएं क्या हुआ है, आप इतने आप लेजी लग रहे हैं सुबह से, ना आपने कुछ खाया है, ना उन्होंने गेम खेली है जो कि हर टाइम खेलते रहते हैं गेम आप। पेट में दर्द हो रही है यार थोड़ी सी। क्यों, क्या हुआ है? बस ये बाहर से खाने खा खा के भाई के घर। तो सही बात है, ऐसे मतलब कि नहीं ध्यान रहता कभी डाइट का, हो जाता है ऐसे। घर तो खाए तो घर से ही है, लेकिन डिफरेंट था ना टेस्ट और सारा। सही बात है, पानी का भी थोड़ा फर्क हो जाता है, वो भी थोड़ा। पेट में बहुत सख्त इन्फेक्शन हुआ है। ओहो, सोच ऐसे है। दर्द हो रही है बड़ी जोर की ना। जी तो कोई टेंशन परेशानी है? पेट में तो चले दर्द है आपके, तो मुझसे बात भी नहीं आप कर रहे सुबह के। मैंने कुछ भी नहीं किया। बहुत बड़ी टेंशन है। ओह, क्या टेंशन है आपको? क्या आप और कौन? क्या मतलब मैं टेंशन हूँ? तो और आप खुशी कब से हैं? टेंशन ही तो है। मैंने कभी भी आपको तंग नहीं किया है? ये जी तो देखिए आप, इनके काम देख लें आप। कभी भी तंग ऐसा कोई वक्त नहीं है जो आपको मैंने तंग ना किया हो, ये बोलना था आपने, थोड़ा चेंज कर लें। मैंने कभी भी आपको तंग नहीं किया, सच्ची बात है। आप उधर से, आपका ध्यान, इनका ध्यान उधर आलमगीर के साथ था, तो उसके साथ खेलती रही हैं। तो चलो अब इधर आई हैं, मैं परेशान हो कि मेरा पेट जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है मुझे सच में। नाश्ता भी नहीं किया हुआ, अब कोई लाइट सा नाश्ता बना दें या कुछ कर दें कि क्या मतलब हो? क्या लेके आऊं, कोई सॉफ्ट ड्रिंक हो जाए या कोई ऐसे? रोटी तो आती नहीं ठीक है? नहीं रोटी नहीं, रोटी नहीं, पेट वो थोड़ी हार्ड हो जाती है ना पेट के लिए। पेट में बहुत ज्यादा ना इन्फेक्शन सा हुआ है। मैं फिर मुंह वगैरह धोता हूं अभी। हैं ठीक है, तो आप ऐसे करें कि मतलब आपके दिल को क्या अच्छा लग रहा है, कुछ ऐसा बताएं, मैं ऐसा बना देती हूं। दिल को तो यही अच्छा लग रहा है कि आप घर चली जाएं। सही है, ठीक है, ठीक हो ना, एक बार मैं घर जाती हूँ, आप ठीक है? दिल को तो यही चाहिए कि आप चली जाए कुछ दिन के लिए, लेकिन वो आपके फैंस जो है वो बैठे रहेंगे, फिर उनका क्या करना। चलो ठीक है, मैं जो है ना घर चली जाती हूँ, आप ठीक है, आप फिर आप वीडियोस बना लिया करना, ठीक है? ठीक है, ठीक है, वो वेट कर लेंगे, कोई नहीं, मतलब दो हफ्ते आपके फैन दो हफ्ते के लिए वेट कर लेंगे, आप दो हफ्ते बाद आ जाना। अच्छा, मतलब मैंने नहीं बताया कि मैं दो हफ्ते रहूंगी, जनाब ने पहले अपने से आइडिया लगा लिया कि ये तो। ना हो, चार पांच दिन के बाद आप वापस आ जाएं, फिर मेरा क्या बनेगा? सही है, आप तो झूठे साबित हो जाएंगे। ये भी है, अब मुझे क्या बना, इंशाल्लाह मैं आपको महीने का गैप दूंगी, ठीक है? महीने का या सालों का दे दें? क्या मतलब, अभी शादी को भी महीने ही हुए हैं, इतना तो उन्होंने तो ऐसे हाय किए जैसे बड़ी औरतें करती, हाय मैं लुटी गई, हाय मैं बर्बाद हो गई, हाय मैं चीनो, हाय पीनो। हाँ, वाकई छोटा मोटा फन था। तो
सही बात है, मैं हंस रहा हूँ तो मेरे पेट में दर्द हो रही है। ऐसे ही है, बीमारी में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो वो हमने थोड़ा सा इनको दिल बहलाने के लिए थोड़ा मजाक कर दिया। तो चले मैं आपको कुछ ना बना देती हूँ, आप ठीक है, आप फ्रेश हो जाएं। तो अब मैं आपके लिए मेरा दिल ऐसे कंजबीन बना लूं, क्यों? क्योंकि नींबू पानी अच्छा होता है, डिहाइड्रेशन नहीं होती। फिर नींबू पानी बना दे सिर्फ, मेरा वही दिल कर रहा है, नमक थोड़ा सा पीऊंगा ना, पानी की कमी भी पूरी हो जाएगी और ठीक हो जाएगा जी। चले ठीक है, मैं सिकंजबीन बनाती हूँ आपके लिए जी। तो ये देसी अंडे पड़े हुए हैं और ये नीचे अचार और मेवे, वो सारी चीजें जो होती हैं घर में फ्रिज में जो होती हैं रखी जाती हैं, तो ये है नींबू साथ मुझे मिल ही नहीं रहे थे। तो चल अब हम बनाती हैं सिकंजबीन जी। तो नीचे आई हूँ मैं किचन में, तो दूध उबल रहा है, इस टाइम हमारा दूध आता है। और मैंने कहा साथ ही ना जिशान के लिए भी कुछ सिकंजबीन बना लीजिए। मैंने बल पकड़ाया हेल्पर को कि आप बनाओ वीडियो, मैं साथ साथ वो भी शेयर करती हूँ। और ये देख सकते हैं जी आप, उनका जो है ना वो रिवायती बर्तन है एक, जिसके अलावा उन्होंने पानी नहीं पीना, और ये इसमें पानी पीते हैं। अगर कोई इस उनके अलावा पानी पी ले इसमें तो उसके खैर नहीं होती फिर बस। तो मैंने कहा उनके जो है ना उनके अपने बर्तन में बनाऊँ। पानी थोड़ा सा टेम्परेचर इसका है ठंडा है, तो अब मैं इसमें लेमन डालूंगी कट कर। सिकंजबीन बन चुकी है और मैंने इसमें, वैसे तो लोग नॉर्मली इसमें शुगर भी ऐड करते हैं बट जिशान जो है वो नहीं पीते, तो हर किसी का अपना वो टेस्ट होता है। तो चलें अब हम उनको देते हैं। जिशान जी जी, जिशान उठ जाए, उठ जाए, सिकंजबीन राटी ये ले। कोई बात नहीं ठीक हो जाए अब आप, बस मौसम इतना प्यारा है, मेरा दिल था कि हम बाहर जाके कोई व्लॉग शूट कर लेते, लेकिन चले कोई नहीं, पहले आप ठीक हो जाए जी। तो आप कैसा फील कर रहे हैं आप? नॉर्मल है बस तबीयत, लेकिन ना मेडिसिन लेता हूँ अभी। कोई बात नहीं, मैं अभी देती हूँ आपको मेडिसिन, तो अल्लाह पाक खैर करे, आराम आ जाएगा आपको। बस कभी भी फूड आगे पीछे हो जाए बस, कहीं भी बंदा जाए, पानी भी चेंज होता है जाहिर बात है, तो ऐसा हो जाता है, लेकिन कोई मसला नहीं है। पेट की दर्द बहुत डेंजरस है, पेट में पता फिर हर चीज कनेक्ट होती है इंसान की बॉडी की। सही बात है, और ये सबसे बुरी दर्द होती है। अच्छा जब हम स्कूल कॉलेज में जाया करते थे ना, तो हमारे पास ये एक बहाना होता था, अम्मी जी आज हमारे पेट में दर्द है, क्योंकि कौन सा कोई देख रहा होता था, तो अम्मी कहती थी अच्छा ठीक है छुट्टी कर लो। मैं तो जब छोटा था ना, मेरा पहला जब दांत टूटा था, अच्छा, तो मैंने अम्मी को जाके कहा था अम्मी अम्मी मेरा दांत टूट गया, मैंने स्कूल नहीं जा मैंने कल छुट्टी कर दी। कितनी मजे की बात है वही ना, मतलब ये ऐसे बहाने होते हैं जो हिडन होते हैं, नजर नहीं आ रहे होते, वही ना, तो मतलब बंदा चला लेता है। अब आपको दबा देती हूँ, कोई मेडिसिन ले लेनी थी आपने? मेडिसिन लेता हूँ, वो मेडिसिन पड़ी हुई है ना नीचे से, ला दे मुझे। मैं ला देती हूँ वो पेट की जो है ना, वो ला दे, और साथ में खाना तो नहीं खाना, पेट तबीयत बड़ी खराब हुई हुई है। वो जब आपका दिल किया ना आप मुझे बताइएगा, मैं फिर लगा दूंगी, ठीक है? हाँ जी, तो मेडिसिन ला दे जी। तो मैं आप जिशान को दबाने लगी हूँ और मेडिसिन देती हूँ साथ, वो सो जाएंगी थोड़ी देर में, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको सेहत दे। तो आप भी दुआ कीजिएगा, तो
आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी आपने मुझे लाजमी बताना है। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।